die. हाँ तो भाई लोग, आज हम आपके लिए लेके आए हैं महिंद्रा की थार, जिसपे भाई पूरी फुल खतरनाक मॉडिफिकेशन हो रखी है। तो आपको एक एक करके दिखाता है कि इसमें क्या क्या काम हो रखा है। तो भाई सबसे पहले फ्रंट में आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे लगा है प्रोमैन का बम्पर मार्क टू, और सचा आपको साथ साथ प्राइस भी बताते रहता हूँ, ठीक है। तो प्रोमैन का जो बम्पर है ये लगा है 42,000 का। उसके बाद फिर हम आते हैं इसके फोग लैम्प पे, ये है लेजर फोग लैम्प जो की इंस्टॉल हुई इसमें 9,000 रुपए की। और अगर आपको इसकी साइड प्रोफाइल दिखाए तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ डले इसमें व्हील आर्क 6-6 इंच के, तो व्हील आर्क इसमें डले है 18,500 रुपए के। उसके बाद फिर इसमें एक डली है सामने की तरफ में बार लाइट, तो ये रही भाई बार लाइट, ये आपको पड़ेगी 4500 की। फिर प्रोफेंडर का इसमें सस्पेंशन डले है, सस्पेंशन आपको दिखाता हूँ एक बार नीचे को। तो ये जो गाड़ी आपको इतनी उच्ची उच्ची लग रही ना, इसमें एक प्रोमैन की लिफ्ट किट भी लगी है 2 इंची, जो की है 20,000 रुपए की। और सस्पेंशन की अगर बात करें वो का खर्चा है 45,000। फिर साथ में फ्रंट की साइड में इसका एक और चीज हुई, मैं आपको बताना भूल गया सच। तो फ्रंट में जरा बस मेन, तो भाई इसमें एक तो प्रोमैन का बम्पर वगैरह डाला है, फोग लैम्प देख सकते हो, साइड में आपका व्हीलॉक हो गया, बार लाइट होगी। तो ये सामने जो एलईडी है ना, ये डाली इसमें 330 वोल्ट की, इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 9,000 रुपए। बाकी हाँ यही सब कुल मिला के कुछ काम हुआ है इसमें, हेलो व्हील डल रखे इसमें 18-18 इंच के। और बाकी भाई जो इसमें लिफ्ट किट लगी ना, उसकी वजह से थार सच्ची इतनी ऊंची लग रही ना, मतलब पूरी थार की लुक ही चेंज होगी उसकी वजह से। कुल मिला के अगर बता दो कि खर्चा कितना लग गया इसमें टोटल। खर्चा देखा जाए तो टायर वगैरह सब कुछ मिला के 2,00,000 का हो गया होगा खर्चा, बट वैसे अगर कॉम्पोनेंट की बात करें तो 1,20,000 का हो गया होगा। अच्छा, अब ये चेक करो आप, सीन आ गए। We'll be right back.